अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो आई एम बैक अगेन. नहीं तो माय पार्ट टू व्लॉग, लेट्स सी पार्ट टू हो पाता है नहीं हो पाता है. अभी वी आर गोइंग टू सोनमर्ग, ताकि सोनमर्ग में हम डिसाइड करेंगे आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना, क्योंकि रात को बर्फ गिरी है लेह के अंदर और कारगिल पे भी. तो अभी वहाँ पर जाएंगे और चेक करेंगे. तो हमें आगे जाने दे रहे हैं या नहीं जाने दे रहे, देखते हैं क्या होता है. अगर नहीं जाने देंगे तो हम सोनमर्ग ही स्टे करेंगे. और अगर कल सुबह 8 बजे कह रहे हैं ये कि खुलेगा रास्ता, क्योंकि अगर आज नहीं खुला तो कल खुलेगा जाने के लिए, तो हम कल सुबह निकलेंगे फिर ले के लिए. अभी हम सोनमर्ग फिर रुकेंगे, वहाँ जाकर पता चलता है. और अगर सोनमर्ग रुकेंगे तो वहाँ पर बर्फ़ होगी और पता नहीं क्या क्या होगा. मैं भी पहली बार आया हूँ, तो आप लोगों में से अगर कोई पहली बार नहीं, मतलब कई बार गया हुआ है, तो उसको तो खैर पता होगा, और जिनको नहीं पता होगा उनको मैं बताऊँगा. तो ठीक है, अब हम निकल रहे हैं, देखते हैं अब क्या होता है आगे. भाऊ यार तुम तो ठा लग रहे हो एकदम तैयार व्यार होकर. तुम हम नहा लिए, तुम नहा लिए, गाड़ी क्यों नहीं नहाई भाई? गाड़ी हालत देख रहे हो. चलो खैर कोई बात नहीं, हमारा नहाना ज्यादा जरूरी था. गाड़ी तो फिर में आ लेगी. गाड़ी भी तो हमें बिना बताया अकेला अकेला नहाती है. लेकिन मजा आया, मतलब 2 दिन गाड़ियाँ पूरा भीगा ना, उसके बाद अब जाकर पाएंगे. बढ़िया. चलो ठीक है, अभी हम जा रहे हैं सोनमर्ग, निकलते हैं सोनमर्ग के लिए. फिर जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे होगा. बाय बाय बोल रहा हूँ भैया. बाय. म्यूजिक गाइज, मैं सोचा पहले मैं आपको रोड मैप दिखा दूं. ले है 395 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस. वी आर मूविंग टूवर्ड्स विच प्लेस, दैट सोनमर्ग. और सोनमर्ग का रास्ता देखिए यार, क्या ब्यूटीफुल रोड है. मैंने अभी छतरी ली है, ये मैं टैग लाइन में डालूंगा. ले में जाते हुए ली हमने छतरी. तो और पहाड़ देखिए, क्या खूबसूरत पहाड़ है. और यहाँ पे मैं रहते रहते इन कश्मीरियों की तरह हो गया हूँ. और बड़े खूबसूरत पहाड़ है, देखिए. आइए देखिए, बह रही यार. यहाँ पे लोग ऐसे बात करते हैं तो मुझे भी आदत पड़ गई है एक ही दिन के अंदर. सो गुड लर्नर, कितना गुड लर्नर है मैं. देखिए पेड़, देखिए पेड़ सेब के. खैर देखिए, खैर दिखाते हैं हम, खैर अभी दिखाते हैं. हमें भी देखिए, ये रहा. तो देखिए वाइट पहाड़, देखिए पहाड़ वाइट वाइट, ब्राउन नहीं, ब्राउन तो हमें नैनीताल में भी दिख जाएगा. तो रोड हो रहा है गीला, गाड़ी हो रही है गीली, मैं ही सूखा हूँ. रे कबीरा मान जा रे फकीरा. खैर ओ, तो यार गाइस यहाँ पे है ना पुलिस वाले कम, सारे के सारे फौजी है, फौजी दिखते हैं. सारे आर्मी का इधर रूल है और बढ़िया है. इधर पुलिस वाले कम है, आर्मी ज़्यादा है. और अब बहुत हेल्पफुल है यार, मतलब अब बहुत अच्छे से बात करते हैं, कोई मिस गाइडेंस नहीं, और बहुत तरीके से बात करते हैं. इनफैक्ट क्या बोलते हैं, मतलब एक जगह हम मिस गाइड भी हो गए थे, कुछ लोगों ने हमें मिस गाइड कर दिया था. तो हमने इनसे रास्ता पूछा, इन्होंने बोला कि यहाँ पे अभी अनसेफ है इस टाइम पे, 1-2 घंटे वेट करो यहाँ पे, उसके बाद निकलना. तो हम फिर हमने स्टे किया उधर, गाड़ी में ही वेट किया हमने, और फिर हम निकले उधर से. तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, मतलब जो यहाँ के मतलब लोकल्स है. लोकल से तो खैर मेरा इतना वाक्य पड़ा नहीं, क्योंकि मैं कल रात को कश्मीर पहुँचा हूँ, सुबह में मैंने चेकआउट कर दिया, और मैं अभी सोनमर्ग के लिए निकल गया हूँ एज ऑफ यू नो गाइस. तो इतना लोकल से वाक्य पड़ा नहीं. लेकिन एक तो गूगल मैप भी यार पिछू दिया, मतलब बेवकूफ़ बना रहे यार साला. यहाँ से जब मैं रास्ता डाल रहा हूँ कश्मीर से सोनमर्ग का, पता कितना दिन दिखा रहा है? 1 दिन 34 मिनट्स, 1 day 34 मिनट्स. और पता रास्ता बताऊँ, कश्मीर से पहले मुझे वापस भेजना मनाली. साले तेरे को इतना मन कर रहा है घूमने का तो तू चला जाना खुद, मेरे को क्यों मनाली भेज रहा है जबकि मनाली का रास्ता बंद है. तो मनाली भेज रहा है, मनाली से घुमा घुमा कर कह रहा है सोनमर्ग वापस आओ, 1 दिन 34 मिनट लगाओ. मैं बेवकूफ बैठा हूँ और गूगल पे आ ही नहीं रहा, जबकि सोनमर्ग इज़ लाइक 1.5 आवर फ्रॉम दिस कश्मीर. अरे मार्केट यार मार्केट,
यार क्या ब्यूटीफुल प्लेस है यार, मतलब अभी तक मैंने एक्सप्लोर नहीं किया कश्मीर और ये सब कुछ, लेकिन तब भी मुझे रोड पे चलने में इतना मजा आ रहा है ना कि मतलब कोई टेंशन नहीं है। स्वेटर पहन रखा है यार मैंने, यार सबसे बड़ी बात स्वेटर पहन रखा है यार मैंने। दिल्ली की गर्मी, चिक चिक पिक पिक, ट्रैफिक, सब कुछ साइड करके मैं चल रहा हूँ सुकून में। कोई भसड़ नहीं है, बस एक चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, मेरी डाइट प्रॉपर नहीं हो पा रही है क्योंकि मैं ऑल द वे ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरा जिम भी अभी तक नहीं हुआ है, मेरी बॉडी थोड़ी सी पंपिंग लो हो गई है। तो खैर कोई बात नहीं, अभी मैं एक जगह सॉर्ट हो जाऊँ, पहुँच जाऊँ तरीके से, फिर मैं अपना जिम भी करूँगा और जिम में भी ब्लॉग बनाऊँगा और जिम में भी शूट करूँगा, एक्सरसाइज करते वक्त भी दिखाऊँगा आपको। एक्सरसाइज डन इन पहाड़, एक्सरसाइज भी करनी है और मुझे डाइट भी लेनी है। अभी तक मैंने सिर्फ लंच किया है, वो भी एक नॉमिनल सा किया है, पूरी प्रॉपर डाइट भी नहीं ली ना, फ्रूट्स ले रहा हूँ मैं। बहुत प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी है। बाबू भैया, तुम्हारा वो जम्मू वाले सिम बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया है। और नेटवर्क सही आ रहा है तुम्हारे? बढ़िया लग रहा हूँ मैं। खैर बढ़िया लगूं या नहीं लगूं, जिसको बढ़िया लगने चाहिए हम उसको तो बढ़िया लग रहे हैं। और अभी बारिश रुक गई, अचानक से बारिश रुक भी गई है। मौसम देखिए कितना बढ़िया हो रहा है, मस्त एकदम मस्त रैप्चिक। अभी अम्ब्रेला भी ले लिया हमने 400 रुपए की, दो बारिश के लिए, और लेते ही बारिश रुक गई है। धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम, गाना बता क्यों आ रहा हूँ, फील बहुत तगड़ी आ रही है यार, बाय गॉड बोल रहा हूँ मैं, क्या मजा आ रहा है। ब्लैक फॉरेस्ट दिखाऊं तुम्हें, चॉकलेट ब्लैक फॉरेस्ट, ये देखो भाई लोगों, ब्लैक फॉरेस्ट, असली ब्लैक फॉरेस्ट ये है। नीचे ब्राउन पहाड़, ऊपर वाइट बर्फ की लेयर, इसको बोलते हैं ब्लैक फॉरेस्ट। और रास्ता देखो यार, तगड़ा रास्ता है यार, मतलब इतना अच्छा है यार ये है ना। तो खैर मैं अभी सोनमर्ग जा रहा हूँ, सोनमर्ग इज 22 किलोमीटर नाव, रास्ता हमारा 22 किलोमीटर का रह गया है। लोग कह रहे हैं बर्फ है, देखते हैं बर्फ है या नहीं है, क्योंकि 22 किलोमीटर से पहले से ही बर्फ आ जानी चाहिए थी अभी तक, लेकिन अभी तक बर्फ आई नहीं है, तो देखते हैं भाई लोगों और भाइयों की बहनों, देखते हैं, बर्फ है नहीं है, लेकिन मजा बहुत आने वाला है। बेकॉन ड्राइव स्लो, एंजॉय द वैली बिकॉज यू आर इनटू द पैराडाइज। यस इट इज एक्चुअली, नीचे नहर चल रही है, ऊपर रोड चल रहा है, यहाँ पे अंकल चल रहे हैं, ये देखो ठीक है, और यहाँ बस चल रही है, बस भी दिख जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बस के बारे में। कहाँ जा रहे हो, हमें मिल न जाए कहीं तो यहीं। बलताल बेस कैंप 34 किलोमीटर्स, अभी आ गया है साइन बोर्ड। साइन बोर्ड में मैं आपको क्या दिखाऊं, बार बार साइन बोर्ड थोड़ी दिखाता रहूँगा, लेकिन बता दूं मैं आपको, ले बचा है 354 किलोमीटर्स, कारगिल 138 किलोमीटर्स, द्रास 81 किलोमीटर्स, और अभी हमारे पास जो पेट्रोल की रेंज है 340 किलोमीटर्स की पेट्रोल की रेंज है, डीजल की एक्चुअल में, तो हमारी गाड़ी एवरेज तो बहुत कम देती है, 8-9 की देती है एवरेज, ये ट्रक है गाड़ी भी नहीं है, तो ये ट्रक हमारा एवरेज 10 की देता है, 9 की देता है जैसे, और अगर इसको लोग कहते हैं क्रूज़ पे अगर लगा दो इस गाड़ी को, किसी भी गाड़ी को, तो एवरेज निकालती है हमारी, क्रूज़ पे लगा दो ना तो क्रूज़ जितना था भाड़ा लग जाता है इसका पेट्रोल का, बहुत महंगा पड़ जाता है। गाड़ी एवरेज आ जाती है 7-8 पे, क्योंकि इसके अंदर एक सेकेंड दरगाही, अस्सलाम वालेकुम, हमारा सफ़र महफूज रखें और हमें सही सलामत हमारे लद्दाख तक और हमारे घर तक पहुँचाएँ। ये मैं दुआ करता हूँ जब भी मैं दरगाह देखता हूँ, तो हमेशा मैं दुआ करता हूँ, कभी ना, वैसे तो दुआ हमेशा करनी चाहिए दुआ, क्योंकि किसी ना किसी तो वक्त एक दिन में कबूलियत की घड़ी आती है जिसमें हमारी दुआ कबूल होती है, तो हर वक्त प्रे करते रहना चाहिए वैसे तो।
लेट्स कम टू द पॉइंट. मजा आ रहा है मेरे को, मजा बहुत मजा आ रहा है. अबे बाबू भैया पीछे ही बैठे रहोगे क्या या बातें ही करते रहोगे क्या फोन पे अपने बिजनेस के बारे में? हमसे भी बतिया लो थोड़ा सा तनिक. बस भैया कोई है यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है वहाँ पे पहुँच रहे हैं, उसके बाद देखते हैं जैसा रहेगा. तो कारगिल का वही सोच रहे कि वहाँ पे व्लॉग्स बनाने देंगे कि नहीं देंगे, वही सोच रहा था. नहीं क्यों नहीं बना कर देंगे, बनाने देंगे, बिल्कुल बनाने देंगे. ड्रोन नहीं उड़ाने देंगे, जो तुम ड्रोन लेकर आए हो ना. हाँ हाँ वो नहीं उड़ाने देंगे, वो ड्रोन के लिए परमिशन चाहिए. और हमारा DSLR दिखा दो भैया जिसमें हम फोटो शूट वगैरह करने वाले हैं. DSLR कहाँ है भैया आपका? DSLR भाई चार्जिंग पे लगा रखा पीछे. अच्छा चलो कोई बात नहीं, चार्ज पे लगाओ उसको, उससे भी फोटो वोटो खींचेंगे भाई. अच्छा लगना चाहिए इंस्टाग्राम पे, फोटोज अपलोड करनी है मुझे यार. अभी सब जगह पे मैं नया हूँ, एक दिन मैं पुराना हो जाऊँगा और मुझे सब कुछ चलाना आ जाएगा धीरे धीरे. तो भाई भाई लोगो ना, हमेशा तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ ना मैं. भाई लोगो मेरे को लिव विद शिराज मेरा इंस्टाग्राम पेज है, फॉलो कर लेना उसको. डिस्क्रिप्शन पे लिखा है, उससे ज़्यादा नहीं है, 500 फॉलोअर्स है बस. लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बढ़ जाएगा. ऊपर वाला है ना, जिस चीज को तुम सच्चे दिल से पाने की शिद्दत रखते हो उसको पूरी कायनात तुम्हें मिलाने की ताकत रखती है. अपनी तरह से हल्का हल्का बनाया है, बाकी तो शाहरुख जी का है ही. व्लॉग बना रहे हैं हम लोग. ठीक है मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक आपको थोड़ा थोड़ा इंजॉय कराते हैं. नहीं मैं इंजॉय करता हूँ, तब तक थोड़ा थोड़ा आपको रोड का व्यूज दिखाएंगे. लव यू, अल्लाह हाफिज. टाइम फॉर सम फूड. यहाँ रुके हम, ये 20 किलोमीटर पहले है सोनमार्ग से, नहीं 12 किलोमीटर पहले है. स्नोबर रिजॉर्ट्स, ये रिजॉर्ट भी है और रेस्टोरेंट भी है, वेज नॉन वेज दोनों मिलता है इसके अंदर. ये खड़ी हमारी एक चोटी और ये रहा मैं और ये देखो नदी नीचे चल रही है नदी. अभी देखते हैं खाना खाते हैं फिर मैं आपको देता हूँ रिव्यू. ऑर्डर तो कर लो कुछ. बस अभी करने जा रहे हैं, पहले DSLR कैमरा तो ले आओ. अबे DSLR कैमरा तुम ही लाओगे का है? गाड़ी में लेके आ रहा हूं. आप ही लेकर आओ, फटाफट लेकर आओ, इसको चार्ज करो, फोटो वोटो खींचो यार थोड़ा. तो यार कैमरे में देखना कितना बेकार लगता हूं भाई. फोटो भी खींचेंगे वीडियो भी बनाएंगे, DSLR तो बढ़िया है. चलो ठीक है फटाफट जाओ, फटाफट आओ. खाना वाना सब कुछ खा लिया हमने यहाँ पर. ये क्या नाम है इसका, स्नोबी रिजॉर्ट. तो खाना वाना ओके ओके था, लेकिन इसका व्यू बहुत अच्छा था. कुछ ऐसा सा व्यू था इसका अंदर, इसका रिसेप्शन है. रिजॉर्ट की बातें करें और स्टे करने की रिसेप्शन वगैरह पे, और नीचे इसके कैंपिंग वगैरह है और रिवर साइड है सारा. तो इन शॉर्ट व्यू अच्छा है, खाना ओके ओके टाइप सा. कभी आए तो इधर ज़रूर रुकें, सोनमर्ग से 12 किलोमीटर पहले है ये. देखिए क्या खूबसूरती है यार, बहुत करीब है हम इन पहाड़ों के. इतना देखकर अच्छा लग रहा है ना इन लोगों को, कह रहा हूँ यार सॉरी यार पहाड़ों को. बहुत अच्छा लग रहा है यार. अभी हम मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं बाय कार ट्रैवल कर रहा हूँ और ये यार मेरा ड्रीम था काफ़ी टाइम से कि कश्मीर आऊँगा. कई बार ट्रैवल करने का सोचा लेकिन ट्रैवल नहीं कर पाया. इस बार मैंने हिम्मत करी ली कि मौका भी था, नज़ाकत भी थी, बिजनेस का इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था. तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ट्रैवल करके आऊँ. हर वक्त जिम 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 कर करके मैं परेशान हो गया हूँ. डाइट जिम, डाइट घर, जिम काम, ऑफिस बस. तो अब हम ट्रैवल कर रहे हैं इसी के साथ. ले बचा है 349 किलोमीटर कारगिल है, 123 किलोमीटर द्रास है, 66 किलोमीटर. तो इसी सीक्वेंस में अभी हमें जाना है. ये छोटा सा एक नाका आ गया है, चेक पोस्ट आ गया है जिस पे पुलिस अंकल खड़े हुए हाथ बांध के और ये रोक रहे हैं. अब हमें बात करते हैं अभी थोड़ी देर में. टोल सर? यस व्हाई नॉट टोल. कैश में ना पड़ा हुआ है थोड़ा सा, एक पकड़िए तो 50 50 और ये 20 भी देना है ना. 10 देना है ये भी हमारे हैं.
अच्छा ले जाने दे रहे हैं सर, दो कल से बंद है सर, लैंडस्लाइड वहाँ बर्फ पड़ा था। अच्छा सुबह में भी नहीं जाने दे रहे? सुबह मेरे हिसाब से 2 बजे के बाद इंशाल्लाह उन्हें तो है खाली मौसम ठीक साथ देना चाहिए। अच्छा तो अभी यानी कि हमें सोनवर्ग में रुकना पड़ेगा, ठीक है चलो सुना आपने। ऑल राइट बाय बाय खुदा हाफिज। ऑल राइट लेफ्ट से जाएंगे, लेफ्ट से जाना, लेफ्ट से जाना, लेफ्ट से जाएंगे। तो अब आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। ओहो वेलकम हो रहा है हमारा, वेलकम टू सोनमर्ग लिखा हुआ है वहाँ पे। अब मैं बार बार क्या दिखाऊँ आपको, तो अब हमें स्टे करना पड़ेगा सोनमर्ग में, उसके बाद कल पता चलेगा कि अब हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आई होप कि हम कंटिन्यू कर लें और हमारी जर्नी बहुत अच्छी जाए। मेरा बहुत दिल है जहाँ मैं इतनी दूर गाड़ी से आया हूँ श्रीनगर तक, मैं चाहता हूँ मैं पूरा लद्दाख तक ट्रैवल करूँ, आप लोगों को दिखाऊँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ और जिन जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बताऊँ कि ऐसा होता है गाड़ी से ट्रैवल करने पे, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। बाकी आप लोगों को भी बताइएगा कि मैं वीडियो वगैरह कैसे बना रहा हूँ, कोई भी चेंजेस वगैरह हो तब मुझे बताइएगा, इम्प्रूवमेंट बताइएगा मेरी। बाकी इंशाल्लाह अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश है मेरी कि मैं आपको अच्छे से प्रेजेंट करूँ सब चीज़ें। गाड़ी चल रही है, रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी थोड़ा ऑफ रोडिंग आ रही है क्योंकि कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, यहाँ पे टनल्स वगैरह बन रही है बहुत सारी। फ्लाईओवर तो दिल्ली में बनते हैं, टनल्स ही बन रही है शॉर्टकट के लिए। घोड़े भी दिख रहे हैं मुझे, कश्मीरी घोड़े तो नहीं है यार, ये खच्चर है, ये खच्चर खच्चर टट्टू टट्टू बोलते हैं इनको। चलो बढ़िया है, स्टे ट्यून, फिर से मिलते हैं थोड़े थोड़े देर में, मैं आपसे मिलता रहूँगा और अपने एक्सपीरियंसेस और जो जो अच्छी चीज़ें दिखेंगी मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। फाइनली गाइज हम सोनमर्ग पहुँच गए हैं, बर्फ के पहाड़ सारे सामने हैं, बहुत रोड ख़राब हुआ पड़ा है इस टाइम पर, काला रोड हुआ पड़ा है बिल्कुल, और बर्फ बारिश के कारण सब कुछ ख़राब हो गया है, और बारिश के कारण ही सारी बर्फ बर्फ आ गई है सारी की सारी। अभी ये सारे होटल्स हैं, दिखाता हूँ मैं आपको, मार्केट है, होटल्स हैं और सामने फिर से पहाड़ है, सारी गाड़ियाँ जा रही हैं। ओ तेरी है 470 नंबर, चलो कोई नहीं बढ़िया है, अपन लोग के नज़दीक से ही लोग आए हुए हैं। तो अभी मैं होटल वगैरह कर लेता हूँ और फिर आपको फिर बताता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना। होटल से पहले मैं पता करूँगा आगे रास्ता खुला हुआ है जाने का है या नहीं है, तो स्टे ट्यून गाइस, बाय बाय। हाय गाइस, तो हम सोनमर्ग में हैं और हमने ये होटल चेक इन कर लिया है और ये बहुत क्रीम प्रॉपर्टी है, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। खैर यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत बढ़िया हैं, जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं सब ऐसी सेम टू सेम बनी हुई हैं, और इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, सीधा माउंटेन व्यू है, और जो कि हमारा अब ले का रूट बनने वाला था बह गया वो पानी में, गयो कैंसिल हो गया, रूट बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल बंद हुआ पड़ा है क्योंकि जो कल परसों बारिश हुई इधर वहाँ पे बर्फ़ गिर गई है, तो इन्होंने रूट क्लोज़ कर दिया है बिल्कुल, और 3-4 दिन तक खुलने के कोई चांस नहीं है। तो अब हम सिर्फ श्रीनगर घूमेंगे, अभी सोनमर्ग थोड़ा बहुत घूमेंगे, उसके बाद क्या बोलते हैं श्रीनगर जाएंगे और वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, शिकारा वगैरह यही सब कुछ करने वाले हैं। फिलहाल जो हमने रूम लिया है वो रूम मैं आपको दिखाता हूँ, क्या सेक्सी रूम है यार, दिखाता हूँ आपको। ये रूम की हालत तो बहुत ख़राब हुई पड़ी है क्योंकि हमने एक्चुअली चेक इन करे हुए बहुत देर हो गई है और एक नैप ले चुके हैं। ये रूम है, ड्यूअल रूम है, ये बाहू भैया का सामान है, बाहू भैया अंदर है और मेरा रूम ये रहा जिसमें मैं सो रहा था, और ये बहुत सही रूम है, बहुत बढ़िया रूम है, काफ़ी मतलब हीटिंग प्रोसेस इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और सबसे बड़ी बात इस रूम में हीटर है ना मैट्रेसेस के अंदर है, जो कि यहाँ से ऑन किया, हाई लो किया और मैट्रेस गर्म हो जाती है, तो इसीलिए ज़्यादा ठंड लगी नहीं मुझे।
और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। इस रूम के चार्जेस इन्होंने बोले थे अराउंड 15,000। बार्गेनिंग करी और 15,000 से ये रूम हमारा डन हुआ 5,500। 5,500 एक्सक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, एक्सक्लूडिंग दैट एवरीथिंग, एवरी मील, जो भी होगा हमारे अदर एक्सपेंसेस वो हमारे होंगे, हमें बेयर करने होंगे। तो फिलहाल बहुत अच्छी डील थी ये, और सारे एक्चुअली यहाँ पे प्राइजेस ऐसी हैं, और बहुत बढ़िया रूम वगैरह था ये। अब मैं ज़रा ब्रश करने जा रहा हूँ, मुँह हाथ धोने जा रहा हूँ, उसके बाद मिलता हूँ मैं आपको, बाय बाय। सो पीपल गाइज, मैंने ब्रश वगैरह कर लिया, अब मैं थोड़ा बाबू भैया के साथ बैठ रहा हूँ, और मेरे हिसाब से ये व्लॉग मैं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये व्लॉग वैसे ही मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो इसका मैं पार्ट टू जो है सोनवर में क्या क्या किया वो सब कुछ अब मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ, और चेकआउट जब करूँगा तब मैं उसका पार्ट टू बनाऊँगा। तो स्टे ट्यून, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो, और आपका मेरा प्यार बन रहा हो, थोड़ा अटैचमेंट बढ़ रहा हो। तो मिलते हैं दोबारा से अगले व्लॉग में, लव यू ऑल।